शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड का निर्माण कर रही है त्रिवेंद्र सरकार। आज शासन प्रशासन में बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं बची। सुशासन के लिए ई ऑफिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमित रूप से ई कैबिनेट बैठकों के माध्यम से निर्णय लेने हेतु एक स्वस्थ पारदर्शी परंपरा स्थापित की गई है। चारधाम यात्रा के बेहतर संचालन के लिए बनाया गया है देवस्थानम बोर्ड। ट्रांसफर भी अब सिफारिशों से नहीं बल्कि ट्रांसफर एक्ट के तहत होते हैं। हड़ताल मुक्त प्रदेश बनने की ओर भी कदम बढ़ा चुका है उत्तराखंड। आज माफियाओं के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं, चाहे वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो या शराब माफिया। इन 3.5 सालों में तमाम तरह के षड्यंत्र हुए, तमाम जो माफिया तत्व है, जो भ्रष्टाचारी तत्व है, वो इकट्ठा होकर के हमला करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हम जिस नीति पर चल रहे हैं उस पर हम पूरी तरह अडिग हैं। जैसे हम पहले दिन अडिग थे, ऐसे ही जब 5 साल होंगे तब भी हम इसी तरह से अडिग होंगे। कोई हमें हमारे रास्ते से अलग नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और राज्य हित के लिए मजबूत फैसले लेने का ही परिणाम है कि उत्तराखंड विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा बेकार। उनके सपनों का उत्तराखंड बना रही है त्रिवेंद्र सरकार।